ये ले बेटा आपकी बिरयानी। कितने पैसे? 100 रुपए। ये ले। जी शुक्रिया बेटा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो बड़ा भाई है ना, वो आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। और आपको मारने के बाद वो आपकी सारी जायदाद हड़पना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। बेटा मुझे पता है आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी एहतियातन ये स्प्रे आप अपने पास रख लें। अगर आपको लगे आपकी गाड़ी के पीछे कोई मशकूक बंदा है, तो आपने ये स्प्रे अपने भाई पे छिड़क देना है, अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हैं तो। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। जी बेटा चले। इसको क्या हो गया? हेलो ओके क्या छुपाया? कुछ भी नहीं। मेरा भाई सच में मुझे मारना चाहता है। भाई ये ले टिश्यू, आपको पसीना आ रहा है। मेरी बहन मेरा कितना ख्याल रखती है। ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे पता है तुम मेरे भाई के साथ मिले हुए हो, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की मैं तुम्हारे ऊपर स्प्रे कर दूंगी। बेटा मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, और वैसे तुम बहुत भोली हो। क्या मतलब तुम्हारा, तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हारे भाई के होते हुए तो मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को किडनैप करूंगा। चल गाड़ी में बैठ, चल चल जल्दी चल, चल जल्दी चल। मैं सब कुछ सुन रहा था जो तुमने उस बच्चे को बोला। बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुमने अपने भाई पर एतमाद नहीं किया। आपके घर वालों के साथ चाहे हो आपके जितने इख्तलाफात, लेकिन आपके घर वाले आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। अगर कोई भी अनजान आपको कोई उल्टी सीधी बातें करे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर वालों को बताना चाहिए। आजो पंचर लग गया, जल्दी आओ, चलो आजो, आजो भाई।